नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने YouTube चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है बिहार तकनीक सेवा आयोग के बारे में, रिजल्ट केस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाईकोर्ट का फाइनल क्या डिसीजन निकल के आई है, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वे सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार तकनीक सेवा आयोग JEE का रिजल्ट होने का इंतजार कर रहे थे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए हम आपको हाईकोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आया है उसके बारे में बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, देख लीजिए जो केस हुआ था। केस दाखिल होने की तिथि 12 मई 2022, पंजीयन की तारीख 23 मई 2022, जो कि सारा चीज़ लिखा हुआ है वो आपको भी पता है। चलिए सबसे नीचे हम आपको ले जाते हैं, देख लीजिए कार्रवाई की तिथि 3 जनवरी 2023, कल इस पर कार्रवाई हुई थी। फाइनल क्या डिसीजन आया है चलिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे नीचे हम आपको ले कर चलते हैं, देख लीजिए दोस्तों 3 जनवरी की सुनवाई हुआ था, 3 जनवरी 2023, और केस को सारा मामला इस पे हो गया है, सब कुछ सुनवाई हो गया है, स्थगित रख दिया है मतलब सुरक्षित रख दिया गया है, और इस पर सुनवाई होगा 14 फरवरी 2023 को। ध्यान से देख लीजिए, कल सारा चीज़ पे हो गया है, पूरा बहस हो गया है, सुनवाई हो गई है, सारा चीज़ हो गया है, बस इसको सुरक्षित रख दिया गया है। 14 फरवरी 2023 को इस पर फाइनल डिसीजन आएगा, तो आप लोग को परेशान नहीं होना। बहुत सारा स्टूडेंट कॉमेंट करके बता रहा था सर आप BTSC पर अपडेट दीजिए, BTSC पर आप अपडेट नहीं देते हैं। दोस्तों देख लीजिए BTSC पे हम फाइनल आपको लेके आ गए हैं अपडेट, जो कि कल सुनवाई हुई थी, फाइनल सुनवाई हो चुकी है, बस इस पे सिर्फ फैसला आना बाकी है, जो कि यह फैसला आपको 14 फरवरी 2023 को आएगा। इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना, इतना दिन आप वेट किए तो थोड़ा दिन और एक सप्ताह वेट कीजिए, 14 फरवरी का फाइनल आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि हम आपको बता देते हैं, हम लोग 1767 में हम लोग हस्तक्षेप किए थे BRMN के 1767 पोस्ट के लिए भी, हम लोग देख लीजिए बताए थे और आपको बताए थे हम ही लोग जीतेंगे, फाइनल हम लोग जीते। LRC के लिए भी 4 दिन से धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं पटना के अंदर पप्पू यादव के साथ, और उस पर भी हम लोग को देख लीजिएगा पिछला नियमावली को सरकार को मानना ही पड़ेगा, और उसी के नियमावली के आधार पर वह बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी, जो कि रद्द कर दिया गया है। टोटल पोस्ट था 10101 पोस्ट, उसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ लास्ट आ जाता है BTSC, इसके बारे में भी हम आपको देख लीजिए सारा चीज़ हो चुकी है। 14 फरवरी की इस पर रिजल्ट आ रही है, 14 फरवरी की सुनवाई हो रही है, क्या अपडेट निकल के आती है उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जितना भी सोशल मीडिया उस पर दबा कर शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपका दिन सुबह, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। जय हिंद, जय भारत।